ये गरगा डैम है जो मेजर वाटर रिजर्वायर है एंड दिस इज मीटिंग टू द दामोदर रिवर एंड मेजर रिजर्वायर फॉर द वाटर फॉर दिस एरिया एंड दिस इज फुलफिलिंग द वाटर रिक्वायरमेंट द समर सीजन ऑल्सो एंड फॉर द लोकल पीपल एंड ऑल्सो दिस वाटर रिजर्वायर इज फॉर इंडस्ट्रियल बिकॉज मैनी मैनी इंडस्ट्रीज आर यूजिंग दिस वाटर फॉर देर इंडस्ट्रियल पर्पज सो यू कैन सी हियर दिस इज द ये नदी का नाम क्या है ये नदी जो गई है ये नहीं सर ये ऐसे इसी का है गरगा डैम का ही नदी है आपको दामोदर में ये दामोदर में मिलेगी जाके और ये हमारा केवल वाटर रिजर्वायर है उधर से कहीं से कनेक्ट होता है पीछे की साइड से कनेक्ट होता है कुछ भी नहीं अच्छा जंगल वगैरह का पानी हाँ 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 और ये बारिश का पानी और जंगल का पानी जो भी आता है वो कैचमेंट का इसमें आ जाता है वही स्टोर रहता है पूरे साल भर आगे ये रोड कहीं जाता है या यहीं पे ख़त्म नहीं नहीं आगे थोड़ा निकल जाएगा बाहर अच्छा ऐसे जाएगा पीछे हम लोगों को वापस जाना पड़ेगा हाँ वापस ही जाना तो यहीं तक चल के फिर देख लेते हैं तो ये स्टेट सरकार देखती होगी ना इसको हाँ स्टेट इरिगेशन डिपार्टमेंट काफ़ी पानी है इसमें तो आप अपने मोबाइल से एक बार फोटो ले मेरा ऐसे वहाँ से आप देख सकते हैं ये डैम है ये रिजर्वायर कंप्लीट रिजर्वायर जिसमें पानी का अमाउंट वॉल्यूम यू कैन कैलकुलेट इट्स अ ह्यूज एरिया एंड सम पीपल आर एंजॉयिंग द लोकेशन एंड हियर यू कैन सी This is a natural nature exactly. It's a very pleasant weather. This has many type of fishes also. So these you can see some people are making fish. There is a rainbow. You can see the rainbow and it's due to the water droplets and you can see some people are there who are making fishing and some people are taking bath dekho rainbow ban gaya wahan pe Here it is, a huge water reservoir and this side is small river small river meeting to the Damodar river. Damodar river is the main river and this from this water reservoir it's going to the Damodar river only. And these people are using this place for fishing also. And this water is using for industrial purposes and for the irrigation purposes. So, thank you very much.